हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाने वाले दुनिया भर में जितने देश हैं, उन्होंने वर्षों बाद ये मुकाम हासिल किया है। लेकिन स्वसा एक ऐसा नाम है जो था तो पहले से, लेकिन कोविड के संकट काल के दौरान स्वसा ने रफ्तार पकड़ी और देखते ही देखते दुनिया भर में छा गया। डॉक्टर संदीप पाटिल जिनका ये स्टार्टअप है वो हमारे साथ है और हम इस वक्त स्वसा की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं। यहाँ पर वो स्वसा N95 मास्क बनता है जिसको लोग पहनते हैं और उसके बाद सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। तो डॉक्टर पाटिल, ये हम देख रहे हैं कि मशीन्स हैं जो मैन्युफैक्चर यहाँ पर मास्क की होता है सबसे सुरक्षित। कौन कौन पहन चुके हैं, एजेंसीज भी हैं आपके क्लाइंट्स? क्लाइंट्स की शुरुआत हम अपने जो आज के संविधान में सबसे बड़ा उच्च पद है हमारे प्रधानमंत्री जी, वहां से शुरुआत करते हैं जो अयोध्या भूमि पूजन में हुआ था। उसके बाद पार्लियामेंट के हर कोई सेशन में होता है, एम्स ले लीजिए आप, IITs ले लीजिए, CSIR लैब ले लीजिए, गुजरात मेडिकल्स में, गुजरात हॉस्पिटल्स में ले लीजिए या कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ले लीजिए, वहां सब में होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेम्ब्रेन्स है, डिफरेंट मेम्ब्रेन्स है, उसमें हमारा नैनो मेम्ब्रेन्स भी आता है एक बीच में, और सभी मेम्ब्रेन्स हम इस रोल के थ्रू पास करते हैं, इस मशीन में जाता है। मशीन में आगे जाके ये पांचों मेम्ब्रेन एक साथ होते हैं और मेम्ब्रेन जब एक साथ आते हैं तो वहां पे हम उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। उस अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग को पास करके फिर आगे ले जाते हैं नोस्ट्रिन के साथ। तो वहां से फिर बहुत सारी प्रोसेसेस है, एयर लूप वेल्डिंग होती है, उसके ऊपर स्टैम्पिंग होती है, उसके बाद कटिंग होती है, उसके बाद फाइनली मास्क निकलता है। किस तरह से ये काम करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, तो क्या उसके पीछे टेक्नोलॉजी किस तरह की? इसमें जो हम यूज करते हैं वो बहुत ही थीन मेम्ब्रेन नैनो फाइबर का हम लगाते हैं। उसमें बेसिकली वो आपको कभी आंखों से ऐसे दिखेगा नहीं, वो फिजिकल सेपरेशन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। जब और उसके जो पोर्स है वो बहुत ही नैनो लेवल के पोर्स है, जो भी अगर आप माल देखेंगे तो उसके माइक्रोन साइज के पोर्स होते हैं, सब माइक्रोन साइज के होते हैं, इसमें नैनो साइज के पोर्स है जिसके थ्रू, और वो रैंडम है, ऐसे नहीं कि यहां से होल ओपन हुआ और सीधा चला गया, वो रैंडम पोर्स है जिसके थ्रू वायरस कभी पास नहीं हो पाता। उसके अलावा हम उसमें कुछ स्टैटिक चार्ज बढ़ाने के लिए कुछ पार्टिकल्स डालते हैं, नैनो पार्टिकल्स, और उसके अलावा कुछ पॉलीमर ऐसा डालते हैं जिससे स्टैटिक चार्ज ज्यादा देर तक रहे और उससे वो वायरस और बैक्टीरिया को किल भी करे। तो सेपरेशन टेक्निक के साथ के थ्रू हम उसको सेपरेट करते हैं वायरस और बैक्टीरिया। दुनिया के कई देश हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाने में आगे हैं, लेकिन कोविड का पीरियड ऐसा था जिसमें स्वसा ने बहुत ज्यादा रफ्तार पकड़ी। कह सकते हैं कि दुनिया भर के लोग जो भारत का लोहा उन्होंने माना, वैक्सीन से माना है, और आप दुबई ट्रेड फेयर में भी गए थे, बिल्कुल, तो कितना ये कंपटीशन में दुनिया भर के जो मास्क हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उनके सामने टिक हुआ? पहली बात तो मैं कहूंगा कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर ये बोलता है कि ये बहुत अच्छा है, मैं मेरे मुंह से नहीं बोलूंगा, लेकिन जो कस्टमर बेस हमारा बना हुआ है पिछले दो साल में, उन लोगों ने इस चीज को माना है कि भारत में जो टेक्नोलॉजी निकल के आ रही है, मास्क हो या वेंटिलेटर हो या वैक्सीन हो, कुछ भी हो, लेकिन हम मास्क की बात कर रहे हैं तो मास्क में ये बोलेंगे कि इस क्वालिटी का मास्क पहले कभी लगता नहीं था कि ये इंडिया में बन सकता है, जिसमें इजी ब्रिदेबिलिटी हो, वायरस बैक्टीरिया को स्टॉप करने की, अवॉइड करने की या उसको निकालने की क्षमता हो, उसके साथ साथ फुल प्रोटेक्शन हो, ज्यादा दिन तक चले। ये पहले तो आप देखते होंगे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में अपना पैर जमाए हुए थे, लेकिन इसके बाद लोगों को ये लगा कि उससे बेटर क्वालिटी का हमें इकोनॉमिकली मिल रहा है, तो क्यों ना हम अपने इंडियन मेड प्रोडक्ट को ले। और उन्होंने ये भी देखा कि ये क्वालिटी खाली सस्ता ही नहीं लेकिन क्वालिटी भी है, उस क्वालिटी को उन्होंने ऐसा नहीं कि आज ले लिया और कल फेंक दिया हम नहीं यूज करेंगे। मेरे पास हम लोगों के पास डाटा रिकॉर्ड है, जो दो साल पहले यूज कर रहा था वो आज भी वही मास्क यूज करता है। तो मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की भी बात है। बिल्कुल, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और सपोर्ट इंडिया। हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को IIT कानपुर के कन्वोकेशन में आने वाले हैं। उससे पहले ये सक्सेस स्टोरी IIT कानपुर की भी है, स्वसा मास्क के रूप में। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, कानपुर।